नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएफएम न्यूज चैनल, हर पल आपके साथ। आइए आज 10 बड़ी खबरों को लेकर फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज की सबसे बड़ी पहली खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो लोगों से बात की, उनसे ये अंदाजा हो रहा है कि लॉकडाउन बढ़ सकती है। और उसके बाद ही ये खबर आई कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके यहाँ 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के MMIC मीर हासिम और 59 के वार्ड काउंसिलर ने आज रेड लाइट एरिया में अपने वार्ड के रहने वाले लोगों के दरमियान चावल और आलू तकसीम की। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में लगभग 3000 ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा में रहते हैं, उन लोगों की इंडिकेशन कर ली गई है और तमाम लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा और किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। कि बांकोड़ा में जो पश्चिम बर्धमान के जस्ट बगल ही में है इलाके में है, वहां पे गुज़िश्ता दिनों एक जलजले की झटका महसूस की गई। 11:20 पे मौसम में महकमियात ने यह इतला दी कि 11:20 में 401 की रफ्तार से एक जलजला की झटका महसूस की गई। लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकले, लेकिन अच्छी खबर यह रही कि किसी की जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। सियासत करने वाले लोग सियासत करते हैं और काम करने वाले लोग काम ही करते हैं। कुछ इलाके का हम लोगों ने MP को देखा कि लॉकडाउन के मौके पर MP आए तक भी नहीं, जबकि डायमंड हार्बर के एक MP है अभिषेक बनर्जी, उनके यहाँ से ये खबर की आ रही है कि 40,000 खाना खिलाया जाएगा। उनके यहाँ किचन कम्युनिटी बन रही है और हर रोज 40,000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। यूरोपीय रेलवे ने एक ये काम किया है कि 3338 जो पैसेंजर बोगी होती है उनको आइसोलेशन कैम्प में तब्दील कर दी गई है और उसकी कुछ बोगी आसनसोल भी लाई जा रही है। ये लग रहा है कि जो कोरोना वायरस की जो लड़ाई है एक लंबी लड़ाई है और सरकार भी पूरी तैयारी में जुट गई है, इसलिए जो रेलवे की जो बोगी थी, रेलवे के जो डब्बे थे, उनके जो कोच हुआ करते थे उनको आइसोलेशन कैम्प में तब्दील कर दी गई है। आमतौर जहां पे बहुत सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं पे ये देखा जा रहा है कि बैंकों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि लोगों को जल्दी है पैसा निकालने की और ये जरूरत भी है उनके, और वो खुद को समझा नहीं पा रहे हैं। इस तरह आसनसोल के बहुत सारे बैंकों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बैंक तो बहुत अच्छा लॉकडाउन का पालन कर रही है, मगर कुछ बैंक ऐसे जहां पे लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाता है। बंगाल के सरहदी एक इलाका है चिरकुंडा, वहां के एक बैंक है, वहां पे आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी और लोग वहां के जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि झारखंड जो हमारा एक रियासत है वहां पे कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन अब झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और वहां से भी अब मरीजों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के जो रिलीफ फंड है उसमें पैसा देने का काम जारी है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि टीचर के आसनसोल गर्ल्स कॉलेज है, उनके जो टीचर काउंसिल है उन्होंने मुलायम घटक के हाथों में 2,00,000 रुपए का चेक किया और उन्होंने ये गुहार लगाई कि इस चेक को CM रिलीफ फंड में डाल दी जाए और इस तरह ये सिलसिला जारी है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी को भी बहुत सारे लोगों ने चेक दिया जो ये CFM रिलीफ फंड के लिए चेक था। जो लोग इस घड़ी में लोगों को साथ दे रहे हैं वो हर तरह से अपनी जरूरत को बलाए ताक रखकर लोगों की काम आ रहे हैं, इसलिए लोगों से मेरी अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा CFM रिलीफ फंड में पैसा को दे ताकि दीदी हम लोग को लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ इंतजाम कर पाए। दुमहानी एक हटिया में 2 दिनों का हटिया हुआ करता था और लेकिन जिसे सरकार ने उसे बंद कर दिया लॉकडाउन की वजह कर, लेकिन जब लोगों ने को जरूरत महसूस की गई और ये सरकार को एहसास हुआ कि नहीं अब लोगों को ये हटिया के बगैर काम नहीं चल रहा, तो सरकार ने फिर ऐलान किया कि जो दुमहानी हटिया है वो 2 दिन तक खुला जाएगा। शनिश्चर और बुध को वो हटिया खुला जाता है, तो वहां के लिए लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। और हम लोगों ने कुछ किसान ने हम लोगों को ये मैसेज किया है कि आप चैनल के माध्यम तक से सरकार तक ये एक आवाज पहुंचा दे के अगर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ जाती है, लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो जाता है
तो इस बात पर ध्यान रखा जाए कि जो गेहूं है उसकी खेती मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है और गेहूं पक कर तैयार है। इसलिए अगर लॉकडाउन की एक्सटेंशन की जाती है तो सरकार कम से कम एक ये पहल निकाले कि उन लोगों को एक इजाजत दें कि वो गेहूं की खेती की कटाई कर सके ताकि लोगों का कम से कम नुकसान हो और जो ये फसल है वो बर्बाद ना हो। अगर फसल बर्बाद हो गया तो आने वाले दिनों में और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आए दोस्तों, बस चलते चलते ये सीसीटीवी की हमेशा ये पहल रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन की पालन करें और आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये हम लोग की आजमाइशी घड़ी है। हम लोग मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था और कोरोना से लड़ने का बस यही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में खुद को कैद कर लें। थैंक यू।